वेलकम फ्रेंड्स, और आप लोग देख रहे हैं शुभम टेक MST। तो आज भी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा आप लोग माइक्रो जीरोक्स किस तरह से करेंगे अगर आपके पास कैनन का किसी भी इंजेक्ट प्रिंटर है। तो सबसे पहले आपको कोई भी जिस जिस डॉक्यूमेंट को आपको माइक्रो करना है उसको आपको मोबाइल से हो या प्रिंटर से हो आपको स्कैन करके रखना है। उसके बाद मैं फोटोशॉप में ले जाके किस तरह से माइक्रो करता हूँ इन डिटेल्स आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो को एकदम स्किप ना करके शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले मैं इस फोटो को मैं फोटोशॉप में ले लेता हूँ और यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। उसके बाद इस फोटो को रोटेट कर लेता हूँ और सीधा कर लेता हूँ। अभी इसको क्रॉप करना है और क्रॉप करने के लिए यहाँ पर आपका विड्थ रहेगा 2.5 इंच, हाइट रहेगा 3.5 इंच और रेजुलेशन आपका 300 रहेगा। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट्स को आपको क्रॉप करना है, उसके बाद एंटर दबाना है। अभी कीबोर्ड में आपको प्रेस करना है शिफ्ट कंट्रोल L। इसको दबाने से क्या होगा, आपका क्वालिटी अच्छा आएगा। अभी आपको न्यू कमेंट डालना है कंट्रोल N दबा के और यहाँ पे पूरा इंची में आपको रखना है और न्यू पेज को ओपन कर लेना है। अभी इस डॉक्यूमेंट्स को आपको सिलेक्ट करना है कंट्रोल A दबा के, उसके बाद कंट्रोल C कर लीजिए और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिए, आई मीन कंट्रोल V कर दीजिए। अभी माउस कर्सर लेके इसको एकदम कॉर्नर में, नीचे के ऊपर के कॉर्नर में आपको रखना है। उसी तरह से दूसरा वाला डॉक्यूमेंट्स को सेम तरीके से यहाँ पर ले लेना है, उसके बाद इसको रोटेट करना है। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। अभी इसको क्रॉप करना है, एंटर दबाना है, शिफ्ट कंट्रोल L दबाना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। तो इसी तरह से आपको एक एक करके आपको पॉइंट आउट करना है। तो यहाँ पे एक ही पेज में आप लोग 8 माइक्रो कर सकते हैं, मैं जिस तरह से आपको दिखा रहा हूँ। 9 भी कर सकते हैं, मैं आपको साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इसी तरह से एक एक करके मैं ले लेता हूँ और सेम तरीके से इसको क्रॉप करूँगा। उसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल L, उसके बाद सिलेक्ट कंट्रोल A दबा के, उसके बाद कंट्रोल C और यहाँ पे जाके कंट्रोल V कर देना है पेस्ट टाइम। इसी तरह से दूसरा तीसरा डॉक्यूमेंट्स एक एक करके आप लोग इसी तरह से करेंगे और जिसका डॉक्यूमेंट्स का कलर ठीक ठाक है उसको आपको शिफ्ट कंट्रोल L ना दबाना है। अगर आप लोग करेंगे कोई बात नहीं, बट यहाँ पे अगर कलर डॉक्यूमेंट्स है, फ्रेश डॉक्यूमेंट्स है, तो वहाँ पर शिफ्ट कंट्रोल L नहीं दबाना है, ठीक है। तो उसके बाद सेम तरीके से एक एक करके आपको लेना है। यहाँ पे और एक ले लेता हूँ, आ चुका है। अब इसको रोटेट करता हूँ और रोटेट करने के बाद इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ। अभी शिफ्ट कंट्रोल L दबाना है, उसके बाद सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। तो इसी तरह से आप लोग करेंगे और इसका सेटिंग, प्रिंट सेटिंग भी आपको दिखाऊंगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इस तरह कंप्लीट करके आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं, तो यहाँ पे पूरा सेटिंग ना देख के आपको वीडियो को स्किप मत करना है, ठीक है। क्योंकि सेटिंग्स में यहाँ पे पेपर एंड क्वालिटी में जाके अच्छे तरह से प्रिंट करना है, अदरवाइज इसका क्वालिटी भी ख़राब हो सकता है। तो इसी तरह से आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए मैं किस तरह से इसको कर रहा हूँ। तो इसी तरह से पूरा डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद आपको प्रिंट कमांड डालना है कंट्रोल प्लस P दबा के और यहाँ पे स्केल टू फिट मीडिया कर देंगे तो A4 साइज में एडजस्ट हो जाएगा। अभी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे जाके आपका जो कैनन का प्रिंटर है सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन, पेपर एंड क्वालिटी पे आ जाइए और यहाँ पे बेस्ट एंड ब्लैक एंड वाइट देके इसको प्रिंट करना है, तभी आपका क्वालिटी अच्छा आएगा। उसके बाद आप लोग प्रिंट कर लीजिए। तो वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अन्य